तो फ्रेंड ये है हमारी डिप रॉड। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पेट्रोल पंप पर डिप रॉड का क्या महत्व होता है, डिप रॉड से टैंक का नाप कैसे किया जाता है, आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हमारी डिप रॉड है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि डिप रॉड से कैसे टैंक का नाप किया जाता है और कैसे हमें स्टॉक का पता चलता है कि हमारे पास कितना स्टॉक अभी बचा है और हमें कब गाड़ी मंगवाने। तो हमारा ये रहा फ्रेंड टैंक, हम आ गए हैं टैंक के पास। तो अब हम करेंगे इस टैंक को ओपन पेट्रोल वाले को। हमारे पास दो टैंक है, एक डीजल का एक पेट्रोल का। तो हमारा ये है पेट्रोल का टैंक, इसको हम ताला खोलेंगे। सबसे पहले ताला खोल कर इसको करेंगे ओपन। तो फ्रेंड हमने टैंक को कर दिया है ओपन। इसमें ताला इसलिए लगा के रखा जाता है क्योंकि इसकी सेफ्टी रहती है, इसमें कोई कुछ कर ना सके, इसलिए इसमें ताला लगा के रखते हैं। अब हम खोलेंगे इसका डिप रॉड वाला कैप। तो अभी इसको खोलते हैं। अब फ्रेंड इसमें हम डालेंगे डिप रॉड, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास स्टॉक में अभी कितना पेट्रोल है। तो हमने डिप रॉड को डाल दिया है। देखिए फ्रेंड अभी कैमरे में सही तरीके से नहीं दिख पा रहा है कि हमारे पास, इसलिए हम इस पर अभी बाटर वो ऑयल पेस्ट लगाएंगे। हमारी 27 आई है क्योंकि पेट्रोल उसमें कैमरे में नहीं दिख पाएगी क्लियर, हमारी 27 आ रही है। तो हम क्लियर दिखाने के लिए अब इस पर वाटर पेस्ट लगाएंगे, वो ऑयल पेस्ट लगाएंगे। ऑयल पेस्ट लगाने के बाद हमें क्लियर पता चल जाएगा कि हमारे पास अभी कितना स्टॉक है। तो 27 आ रही थी तो हम थोड़ा आगे पीछे लेंगे, करीब 27 है तो हम 25 से और 30 के बीच में लेंगे। अब हम इसको फिर से टैंक में डालेंगे। तो फ्रेंड अब हम टैंक के अंदर डिप रॉड को डाल दिया है, आराम आराम से डालेंगे इसको और हम इसको खींचेंगे। अब देखिए फ्रेंड हमारा जहाँ ऑयल पेस्ट लगा है, ऑयल पेस्ट से हमें क्लियर पता चल जाएगा। देखिए हमारी डिप जो आ रही है 27 आ रही है, हमारी जो डिप है वो 27 आ रही है फ्रेंड। तो हम इसको करेंगे अब बंद, इसको बंद कर कर इसमें लगाएंगे ताला, इसको कर देंगे लॉक और चेक करेंगे सही से लगा है कि नहीं। इसको कर दिया हमने लॉक। अब हम तो फ्रेंड ये रही वो बुक जो हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो फ्रेंड इसमें डेंसिटी चार्ट प्लस टैंक डिप चार्ट दोनों ही ऐड होता है। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले ये डेंसिटी होती है, डेंसिटी निकालने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ डिप चार्ट। तो जिस डिप चार्ट के लिए हमें लास्ट में जाना होगा। तो हमारा है 15,000 लीटर का टैंक, कैपेसिटी 15,000 लीटर। तो हमारी डिप जो आई थी वो आई थी 27, 27। तो यहाँ से हम देखेंगे 0.50 से स्टार्ट होती है, यहाँ से ये डिप है 0.50 और यहाँ लीटर है 0.50 पे रहता है 3.30 लीटर, ठीक है ना। तो अब हमारी आई थी 27, तो ये है 22.50। तो हमारी है 27, तो यहाँ से हम आएंगे 27। तो ये है फ्रेंड 27। तो हमारे पास अभी कितना है 1,259 लीटर। तो हमारे पास अभी पेट्रोल स्टॉक में 1,259 लीटर है। तो फ्रेंड हमारी गाड़ी खाली होनी है, इसलिए हमने अभी डिप लिया है। तो डिप गाड़ी खाली होने से पहले प्लस गाड़ी खाली होने के बाद डिप लेना चाहिए। तो हमारी 27 डिप आई थी, 27 डिप पे हमारा 1,259 लीटर पेट्रोल है, यानी 1,260 लीटर हमारा पेट्रोल है हमारे टैंक में। ये है 15,000 लीटर का फ्रेंड, ये भी 15,000 लीटर का, ये हमारी डिप होती है जो देखिए फ्रेंड 200 तक होती है। 200 पे हमारा 15,607 लीटर होता है, इसकी कैपेसिटी होती है। जो हमारी डिप रॉड होती है वो 0.50 से 200 तक होती है,
और फ्रेंड आगे जाएंगे यदि हम, तो यहाँ 20,000 लीटर जो हमारा डीजल का टैंक होता है उसकी कैपेसिटी 20,000 लीटर होती है। अब इसमें देखिए वही वही सिस्टम, इसमें इसका भी मैं आपको डिप लेने का तरीका बता दूंगा अगली वीडियो में, डीजल टैंक का डिप कैसे लिया जाता है। वैसे सबका डिप लेना सेम ही होता है और सबका डिप रॉड भी सेम होता है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आप टैंक का डिप लेना प्लस क्वांटिटी निकालना सीख गए होंगे। तो फ्रेंड चैनल पे यदि नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।